सो मेरे भाइयों, एयरटेल पता नहीं क्या कर रहा है और सिटी में लॉन्च करने की बजाय एयर फाइबर को अभी एक सिटी में इन्होंने क्या किया है, बंद कर दिया है। सो मेरे भाई, वो कौन सी सिटी है वो भी बताऊंगा और बहुत सारी बोनस टिप्स भी देके जाऊंगा कि एयरटेल अच्छा है या फिर जियो एयर फाइबर अच्छा है और ये आउटडोर यूनिट के साथ आएगा या नहीं आएगा। सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाइयों, एक पक्की न्यूज में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि भाई आउटडोर यूनिट आएगा वाकई में या नहीं आएगा, सो मेरे भाई इसके बारे में एक पक्की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। क्योंकि मेरे भाई जो भारतीय एयरटेल के जो CEO हैं गोपाल विट्ठल जी, उन्होंने बता दिया है कि नेक्स्ट न्यू मंथ्स में ये अपना एयर फाइबर है वो कमर्शियली आउटडोर के द्वारा लॉन्च करने वाले हैं। कहने का मतलब उन्होंने पक्का बता दिया है कि भाई इसके साथ आउटडोर यूनिट मिलेगा और कंपनी भी ये मान रही है कि भाई आपको इसके साथ बेटर सिग्नल देखने को मिलेंगे। और पहले जो हमने लॉन्च किया था, कंपनी मान रही है कि पहले हमने लॉन्च किया था वो बेटर सिग्नल के साथ नहीं था। सो कंपनी के CEO भी ये मान रहे हैं कि भाई जो आउटडोर यूनिट के साथ हम ये वाला एयर फाइबर लेके आने वाले हैं तो ये आपको एक बेटर सिग्नल देगा। तो मेरे भाई इसका रीज़न एक और भी हो सकता है, क्योंकि भाई जियो ने अपना एयर फाइबर है वो आउटडोर यूनिट के साथ ही लॉन्च किया है। ठीक है, वो एक दूसरे के भाई देखती रहती हैं अभी, वो कंपनी कैसा कर रही है हम भी वैसा करें। सो हो सकता है भाई जियो की तरफ देख के भी एयरटेल जो है आउटडोर यूनिट अपना लेके आ रहा है और ये इंडोर भी चेंज करेगा, वो पहले वाला अभी नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, और सिम तो शायद लगेगी ही लगेगी, सिम के बगैर ये अपना जो वायरलेस वाला ब्रॉडबैंड है एयर फाइबर है वो काम नहीं करेगा। और मेरे भाई जो मेन बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो इन्होंने अपना एयर फाइबर है एक नई सिटी में लॉन्च किया था, सो मेरे भाई एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये है कि भाई जिस सिटी में इन्होंने अपना लॉन्च किया था एयरटेल एयर फाइबर वो था कोलकाता। कोलकाता में इन्होंने लॉन्च किया था, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया था, मतलब कि पहले दो सिटी थी दिल्ली और मुंबई और फिर तीसरी इन्होंने कोलकाता ऐड की थी। बट मेरे भाई अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने जो कोलकाता है अपनी वेबसाइट से वो सिटी को रिमूव कर दिया है। सो मेरे भाई हो सकता है कि ये अपने यूनिट को वहाँ पे अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, या फिर मेरे भाई ये टेस्टिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं आउटडोर यूनिट के साथ। क्योंकि मेरे भाई अभी फ़िलहाल के लिए जो भी आप एयर फाइबर बुक करोगे तो ऑनलाइन तो बुक नहीं होगा, बट ऑफलाइन इनके स्टोर पर जाके जब भी बुक करोगे तो आपको आउटडोर यूनिट के साथ ही देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है वो अभी स्टॉक में ना हो, इसीलिए कोलकाता जो शहर है वो सिटी है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दी होगी। और मेरे भाई कई कंफ्यूज है, मैं जब संडे को लाइव आया था मेरे भाई बहुत सारे बोल रहे थे कि भाई मैं जियो वाला एयर फाइबर लूँ या एयरटेल का एयर फाइबर लूँ। तो मेरे भाई मैं आपको सीधा ही एक सरल सा उपाय बताता हूँ, अगर मेरे भाई आपको बहुत डाटा की नीड है, ठीक है आपको डाटा ज़्यादा चाहिए, तो मेरे भाई सीधा ही आँख बंद करके आप एयरटेल का एयर फाइबर ले लेना। सो मेरे भाई एयरटेल का एयर फाइबर में चक्कर ये है कि वो और कई सिटी में नहीं है, जैसे कि जियो का एयर फाइबर 8 सिटी में है, बट मेरे भाई जो एयरटेल का एयर फाइबर है काफ़ी देर से आउट ऑफ स्टॉक भी चल रहा था, जो कि हमें सुनने को देखने को मिल भी रहा था। बट जैसे ही वो स्टॉक में आएगा, जैसे ही और सिटी में आएगा, तो एयरटेल एयर फाइबर लेने का फ़ायदा उनको ज़्यादा है जिन्हें डाटा की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भाई उसमें आपको 3300 GB जो डाटा देखने को मिल जाता है। बट मेरे भाई अगर आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो आप जियो के एयर फाइबर में जा सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई उसमें 1000 GB देखने को मिलती है। बट हाँ मेरे भाई, एक एडवांस चीज़ हमें जियो एयर फाइबर में देखने को मिल जाती है कि उसमें आपको OTT भी देखने को मिल जाएगी और उसमें आपको जो सेट टॉप बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, लाइव TV चैनल भी आप देख सकते हो। बट आप एयरटेल के एयर फाइबर में ये सब नहीं देख सकते हो। बट कोई न्यूज़ नहीं है कि उसके साथ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने अभी चेंज किया है अपना एयर फाइबर, हो सकता है उसमें आ भी सकता है सेट टॉप बॉक्स, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन
नहीं दी गई है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन जो गोपाल विट्टल जो एयरटेल के सीईओ उन्होंने बताया है कि कुछ महीनों में हम कमर्शियली ही आउटडोर यूनिट के साथ अपना एयरटेल का एयर फाइबर वो लेके आने वाले हैं। है तो मेरे भाई छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट मेरे भाई बहुत सारे भाइयों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही बहुत बड़ा फ़ायदा दे देती है। अगर मेरे भाई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर मेरे भाई और भी कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करके जाना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेल द हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।